नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं आपके सामने संतोष कुमार पार्थ। अभी आगामी विधानसभा चुनाव 2020 चल रहा है, उसके लिए नालंदा जिला में आगामी 3 नवंबर को दूसरे चरण में चुनाव होगा और उसके लिए सभी प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन किया है। हिलसा विधानसभा क्षेत्र से 19 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया है। आइए हम उन प्रत्याशियों में से एक प्रत्याशी हैं श्यामकांत कुमार जी, जिनसे बातचीत करते हैं। आखिरकार उन्होंने विधानसभा चुनाव में आने का क्यों फैसला किया और इनका चुनाव लड़ने का मकसद क्या। सबसे पहले नमस्कार करते हैं आपका। आप बताइए सर कि आपका जो पार्टी है, क्या नाम है आपका? नेशनल जागरण पार्टी। नेशनल पार्टी के थ्रू आए हैं। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? चुनाव चिन्ह है रेत घड़ी। रेत घड़ी है। आप लगातार जनहित में आने के लिए फैसला किए, आने का क्या मकसद है चुनाव? आने का चुनाव में फैसला किया है शिक्षा और महादलित किसान लोग के विकास से पानी देना है। हिलसा क्षेत्र विधानसभा में जनजल जनता जो गरीब महादलित हैं उनको सब विकास करेंगे, स्कूल पढ़ाई पर ध्यान और विकास कृषि विभाग पे सबको। जानना चाहेंगे कि सबसे पहले आप दर्शकों को बताएं कि आखिरकार हिलसा विधानसभा क्षेत्र में जो चुनाव आप लड़ रहे हैं, आखिरकार जो प्रत्याशी आप हैं, आखिरकार हिलसा विधानसभा से किस जगह के रहने वाले हैं? हिलसा क्षेत्र के नहीं, हम ग्राम कमालपुर गया जिला के अतिरिक्त क्षेत्र के कमालपुर ग्राम के रहने वाले हैं। गया जिला से आए हैं आप चुनाव जी? हिलसा, हाँ, गया दूसरे जिला से, अतिरिक्त क्षेत्र से, अतिरिक्त क्षेत्र कमालपुर गांव बथानी बोलता है, वहां से आने लड़ने के लिए वहां से यहां आए हैं। क्या मकसद है कि हिलसा विधानसभा क्षेत्र ही है, गया में भी लड़ सकते थे चुनाव? वो मेरा जहाँ से पार्टी टिकट देंगे वहीं से न लड़ेंगे। यहाँ हिलसा से मेरा मन था कि हिलसा विधानसभा से लड़ें और यहाँ के लोग जनता लोग के विकास शिक्षा और सब कुछ। आप मतलब हिलसा ही विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं? नहीं, विधानसभा हम रहते हैं, बाकी मेरा घर कमालपुर है अतिरिक्त क्षेत्र में और ज़्यादा यहीं से इच्छा किया कि यहीं से लड़े हिलसा क्षेत्र से। बहुत अच्छी बात है। कैसा लग रहा है अगर फील्ड में जा रहे हैं, आपका जन समर्थक कैसे मिल रहा है? बहुत जनता लोग यहाँ को मान सम्मान दे रहे हैं और बोले अच्छे तरह से लड़िए, वोट देंगे और आप विकास करिएगा, आप ऐसे प्रत्याशी को खोजते हैं। अच्छी बात है। आप बताइए कि अभी लॉकडाउन यानी कोरोना का सीजन चल रहा था, भले ही इसका संक्रमण थोड़ा कम हुआ हो, क्या लगता है कि लोगों के बीच में आपका कितना छवि है कि आप बेहतर काम किए हैं? हम कोरोना में बहुत मास्क बांटे हैं जनता के बीच में और मास्क से और यह हैं जो गरीब लोग हैं उनको बहुत सहारा किए हैं हर तरह से और बहुत मदद जो दूर दूर से आए हैं लोग उनको जाके धन्यवाद दिए हैं। जिन्हें आपका जो है पार्टी का जो सोच है, क्या सोच है, आप क्या सोचते हैं? पार्टी को सोच है कि विकास पार्टी को अपना। अगर आप जीतते हैं तो हिलसा के लिए पहला प्राथमिकता क्या होगी? पहला प्राथमिकता किसान लोग को रोजगार देंगे, नया लड़कन को नौकरी नहीं हो रहा है नौकरी दिलवाएंगे और विकास पैन तैन खुदाएंगे, सिंचाई जो हरारी है उसको लिया करेंगे, यानी गांव और ग्रामीण क्षेत्र से जो भी समस्याएं होंगी उसको आप उठाने का काम करेंगे? हाँ, उसको उठाने के काम करेंगे। महाटोला में जात्री सेटी वगैरह इसमें सुविधाएं भवन बनाएंगे, अच्छे लड़के जो गरीब गुरुआ को लड़कन है उनको स्कूल को जो ढंग है उसको सुधरवा देंगे। चलिए बहुत अच्छा। ये थे प्रत्याशी जो लगातार कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, भले ही हम दूसरे विधानसभा क्षेत्र से हैं लेकिन हिलसा में टिकट मिला है और इनका जन समर्थक प्रतिदिन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। आखिरकार 3 तारीख को देखने को मिलेगा कि आखिरकार हिलसा की जनता किसे अपने वोट देकर विजय बनाती है।